रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग में यूक्रेन पिछड़ता जा रहा है और इस बीच अमेरिका ने यूक्रेन के लिए एक नए सैन्य सहायता पैकेज का ऐलान कर दिया है। दरअसल अमेरिका यूक्रेन को 21,351 करोड़ रुपए की बड़ी सैन्य मदद करेगा, जिससे जंग के मैदान में यूक्रेन को एक बार फिर मजबूती मिलेगी। ज़ेलेंस्की और बाइडेन में बड़ी थी यूक्रेन को मिलेगी 21,000 करोड़ की मदद। रूस और यूक्रेन के बीच एक साल से जारी युद्ध में यूक्रेन को भारी तबाही हुई, लेकिन फिर भी ज़ेलेंस्की पीछे हटने को तैयार नहीं है। रूस के हमले का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए ज़ेलेंस्की दुनिया के 90 से ज्यादा देशों से मदद मांग चुके हैं। नाटो और अमेरिका खुलकर यूक्रेन की मदद कर रहे हैं। अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी समेत कई देश लगातार यूक्रेन को आर्थिक और सैन्य सहायता दे रहे हैं। इस बीच अमेरिका ने एक और बड़ा ऐलान कर दिया है। अमेरिका ने यूक्रेन को 21,351 करोड़ की सैन्य सहायता करने का ऐलान किया है। इस पैकेज में 500 मिलियन डॉलर के हथियार और सैन्य उपकरण शामिल हैं। वहीं यूक्रेन सिक्योरिटी असिस्टेंट इनिशिएटिव फंडिंग से मिले 2 बिलियन डॉलर की अतिरिक्त सहायता भी शामिल है। अमेरिका की ओर से भेजे जा रहे सैन्य उपकरणों में हिमार्स, एयर डिफेंस इंटरसेप्टर, आर्टिलरी राउंड, एंटी आर्मर सिस्टम, छोटे हथियार, भारी उपकरण ले जाने के लिए गाड़ियां शामिल हैं। चार अप्रैल को यूक्रेन के विदेश मंत्री दमित्री कुलेबा और अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन के बीच मुलाकात हुई थी, जिसके बाद अमेरिका ने कहा था कि रूस यूक्रेन पर धीरे धीरे कब्जा कर रहा है। ऐसे में यूक्रेन के क्षेत्र को रूस के कब्जे से मुक्त करवाने के लिए अमेरिका अपनी सैन्य सहायता जारी रखेगा। और इसी के बाद अमेरिका ने 21,351 करोड़ के अतिरिक्त पैकेज का ऐलान किया। इससे पहले भी अमेरिका कई बड़े सैन्य सहायता पैकेज का ऐलान कर चुका है। वहीं रूस के T-90 टैंक को मात देने के लिए जर्मनी ने लेपर्ड 2 टैंक का पहला बैच यूक्रेन भेजा। इसके अलावा यूक्रेन को ब्रिटेन से चैलेंजर 2 टैंक भी मिले हैं। पोलैंड भी यूक्रेन को MiG-29 लड़ाकू विमान देने का ऐलान कर चुका है। यूक्रेन की मदद के लिए तमाम देश आगे आ रहे हैं। इसके बावजूद युद्ध के मैदान में यूक्रेन पिछड़ रहा है। यूक्रेन अपने कई क्षेत्र खो चुका है। ऐसे में अमेरिका से नई सैन्य सहायता मिलने के बाद यूक्रेन एक बार फिर रूस का मजबूती से सामना करने के लिए तैयार हो रहा है।